Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील. स्टूडेंट्स, हम डी आई मैथ 212 चैप्टर नंबर 8 द स्ट्रेट लाइन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट है 1 और 9 का, ठीक है. इसको साथ साथ लिख भी देता हूँ. ए पॉइंट जो हमारे पास वो है 1 और 9, ठीक है. एक्स और वाई, एक्स वन वाई वन हो गया. बी पॉइंट जो है वो -2 और 3 है, जबकि सी पॉइंट जो है वो -5 और -3 है. और इसके बारे में लिखा हुआ आ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ना आर कोलिनियर, ये एक ही लाइन के ऊपर एक लाइन में आएंगे कि नहीं आएंगे, अब चेक करना पड़ेगा. इसी तरह से हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है. अगर तीनों का डिटर्मिनेंट 0 निकल आया तो प्रूव हो जाएगा ये कोलिनियर है, ठीक है. तो फर्स्ट के कंपोनेंट में x1 y1 क्या है, 1 और 9, और साथ में z जो है वो 1 लेना पड़ेगा. इस तरह से -2, 3 और 1 आ जाएगा, और -5 और -3 और 1 आ जाएगा. इसका हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट मक्ता लेना है. डिटर्मिनेंट के लिए 1 वैसे ही रहेगा, और हमारे बाकी कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसमें आ जाएगा 3 और 1 -3 और 1. फिर पता है आपको सेकंड वाली में हम माइनस का साइन लगाया करते हैं, बहुत पॉजिटिव थी लेकिन माइनस में लिखी जाएगी. इसके कंपोनेंट्स में आएगा -2, 1, ठीक है, -5 और फिर से 1 आएगा. लास्ट में हमारे पास फिर प्लस में 1, थर्ड जो हमारा, उसमें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू होंगी, -2, 3, -5 और -3. अब इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या ये हमें -0 देता है. तो इस तरह से ये 1 आ गया. अब इसको हमने करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई. इसका डिटर्मिनेंट होगा 3 को 1 से, और माइनस में नॉन डायगोनल्स में 1 को -3 के साथ, फिर -9 आ गया, ठीक है. और -9 के बाद अब हम करेंगे यहाँ पर कि -2 को डायगोनल्स को 1 के साथ, और माइनस करते हुए नॉन डायगोनल 1 को -5 के साथ, ठीक है. फिर +1 आ गया. यहाँ पर भी अब हमने -2 डायगोनल्स को -3 के साथ, ये इसके अरकान जो है और इसके कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद माइनस करते हुए 3 को नॉन डायगोनल -5 के साथ, ठीक हो गया. आप सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 1 आ जाएगा अंदर नीचे, अंदर 3 1 3, -3 प्लस 3 1 3, ठीक है, -9, -2 है, और -5 आ गया. फिर 1 आ गया प्लस में, और अंदर हमारे पास -2 3 6, -5 3 15, ठीक हो गया. आप मजीद देखते हैं तो ये वैल्यू हमारी इस तरह से बनेगी कि अभी पहले इधर सॉल्व करते हैं ना, 3 और 3 कितने हो गए, 6, ठीक है. 3 और 3 हो गए हमारे यहाँ पर 6 हो गए, -9 ही है, ये कितने हो गए, 5 -2 के तो 3 हो गए, और +1 है तो ये कितने हो गए हमारे, ये 6 और 15 को ऐड किया तो 21 हो गए, सही है. अब मजीद देखते हैं तो 6 -9 3 27, और +1 आ गया 21. अभी आप देख सकते हैं कि 21 + 6 किया तो 27 - 27 किया तो =0 आ गया. अब ये =0 आने से ही प्रूव हो गया, हेंस हम लिखेंगे यहाँ पर प्रूव डैट, क्योंकि हमने इसको साबित करना था, शो करने का लिखा हुआ था ना, शो डैट साबित करें, तो प्रूव हो गया हेंस प्रूव डैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है. तो ये हमारे पॉइंट्स प्रूव हो गए, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आएंगे, ठीक हो गया. तो अच्छी तरह से आपने जो है वो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है. उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा. आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.